तो मेरा ये सवाल पूछने का मन है आपसे कि मान लीजिए 272 से कम सीटें रह गई, तब आपका प्लान बी क्या है? पहली बात है कि सरासर ये सवाल अगर ये कोई रिकॉर्डिंग रख के रखेगा और भविष्य में किसी और टीवी की दुनिया में आपका इंटरव्यू होगा तो वो सामने दिखाएगा कि आपने तो 272 से भी कम सोचा था और मोदी तो काफी आगे निकल गए, तो आप जर्नलिज्म में कहाँ खड़े हो? मैं ये रिस्क लेके तो आपकी मुसीबत आ जाएगी जी। आपको मैं नहीं चाहता हूँ ये संकट आपको झेलना पड़े, इसलिए ये बिल्कुल बेफिजूल क्वेश्चन है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी, पूर्ण बहुमत से जीती हुई बीजेपी इस बार उससे भी ज्यादा सीट लाने वाली है। बीजेपी और एनडीए बहुत बड़ी मात्रा में हमारा विजय था, एनडीए की संख्या बढ़ने वाली है और इसलिए प्लान ए बी सी डी ई एफ जी जहाँ तक आपको जाना है जाइए, एक ही है 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, एनडीए की मीटिंग होगी, लीडरशिप की विधि पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति जी शपथ विधि की बुलाएंगे और इसलिए आप अपनी टीम को भी इस शपथ समारोह को कैसे कवर करना और ग्लोबली कैसे कवर करना उसकी योजना में लग जाइए।